आज पता चला कि जो हमारी ग्रामीण की महिलाएं उन्हें पूरा दम है। आज भी लग रहा है कि लस्सी बिलो बिलो के पूरी ताकत है, पूरी हिम्मत है। एक बारी दोबारा देख लेते हैं, भारत माता की। ये आवाज चली गई चित्रा तक की, जल्दी आ जाओ। और जैसा कि आपको पता ही है कि एक शहरी प्रोग्राम सिया वाटिका में चल रहा है और एक ग्रामीण पूरा प्रोग्राम यहाँ पर रहेगा शाहपुर में। शाहपुर की इस पावन धरती में गुरु साहब के चरणों में एक नमन इन बच्चों की तरफ से। तब तक हम बीच में आपसे बातचीत करते ही रहेंगे, तो एक बार इन बच्चों से कि बच्चों प्रस्तुतियां आज आपके बीच बच्चे लेके आ रहे हैं। आज का जो प्रोग्राम है ये पूरा राहुल गांधी जी के आदेश के ऊपर चित्रा जी ने आपके लिए यहां रखा, और ये उनका मकसद इसमें यही है राहुल गांधी जी का कि कल मैनिफेस्टो बनता है। मैनिफेस्टो में बताया जाता है कि हम क्या आगे 5 साल में अगर हमारी सरकार आएगी तो क्या करेंगे। उस मैनिफेस्टो में हमारी ग्रामीण महिलाओं का क्या योगदान हो, इनकी क्या समस्याएं हैं, इनके ऊपर क्या बातचीत होनी हो, तो आज खुद वो पूरी टीम उसमें महिला प्रधान पूरे देश की सुमित्रा देव जी, सुमित्रा चौहान जी जो हरियाणा की प्रधान है, और चित्रा जी और दीपेंदर हुड्डा जी, ऐसे सब लीडरान आपके बीच वो बात पता करने आए हैं कि जो ग्रामीण महिलाओं की उस मैनिफेस्टो में लिखी जाए। एक जैसा मैंने आपको बताया कि शहरी प्रोग्राम हमारा सिया वाटिका में चल रहा है और वो खत्म होने वाला है, उसके बाद सीधा सब लोग आपके बीच में होंगे
और आपने तहे दिल से आपके गांव में वो पहुंच रहे हैं तो तहे दिल से आपने उन सबका स्वागत करना है। कैसे करना है एक बार वो देख लेते हैं कितनी हिम्मत है। भारत माता की, वाह जी वाह, पक्का हो जाएगा पक्का एकदम सही। तो मैं आग्रह करने जा रहा हूं दो मिनट में, बड़ी प्यारी बच्ची है दीक्षिता जो बहुत अच्छा गाना इंडिया वाले लेके आपके बीच में प्रस्तुति करने आ रही है, उससे पहले मैं आग्रह करूंगा जगतार जी, जगतार जी ये कुछ बच्चे चाहिए जो ये थोड़ा सा पीछे कर दें। बहनों से आग्रह है, बहुत खुली जगह है हमारे पास और आप अपना स्थान लेते रहें। हमारे बीच एक बहुत अच्छी प्रस्तुति लेके भरत भाई भी हमारे बीच में है, वो भी आपको बहुत ही अच्छी अच्छी बातें और मैसेज अपनी तरह से आपको देने जा रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा पिंकी जी से और उनकी टीम से, प्रे फॉर इंडिया। तैयार है वो बच्चियां? राजस्थान में आज ये झंडा छाया हुआ और इसका जो डिजाइन है वो चित्रा सरवारा जी ने किया है जो आपकी यहां से पार्षद आए, तो बहुत बड़ी बात है। आज आप लोगों ने जरा सा छोटा सा एक आशीर्वाद दिया और आज वो इतनी ऊंचाई पे है कि राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी होती है दिल्ली में, तो ये ताकत आपकी दी हुई है, ये आपका आशीर्वाद है कि आज आपकी बेटी आपकी बहन एक बहुत बड़े ऊंचे मकाम पर है। मैं आग्रह कर रहा हूं हमारी बच्चियों से, प्रे फॉर इंडिया, एक बार जोरदार ताली बजा दें इनके लिए।
हमारे बीच
ये सिर्फ आपकी तालियां और प्यार लेके यहां से जाएंगे। तो मैं इन बच्चियों से आग्रह करूंगा आए नाम बोल संगते प्यारिये संगते प्यारिये वाहे गुरु दा नाम मनो ना विसारिये सत नाम बोल संगते प्यारिये संगते प्यारिये वाहे गुरु दा नाम मनो ना विसारिये वाहे गुरु वाहे गुरु धन वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु तन वाहे गुरु दुबले पत्थरां तारण वाले साडा बेड़ा पार करी दुबले पत्थरां तारण वाले साडा बेड़ा पार करी साडा बेड़ा जी पार करी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। पूरा इस बच्ची के इस सॉन्ग से मेरे को लगता है कि और समा हमारा बन जाएगा। उसके बाद बहुत ही सुंदर एक प्रस्तुति हमारे भरत भाई की है, वो आपके बीच में अपनी टीम के साथ लेकर आएंगे। तो मैं आग्रह कर रहा हूं दीक्षिता हमारे ये प्यारे प्यारे बच्चे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वैसे आप ताली नहीं बजा रहे,
हमारे बहुत से साथी जिन्होंने आप सबको इस मुकाम पर लेके आए, इस जगह पर लेके आए, वो बहुत से हमारे साथी हैं। मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। भाई जगतार सिंह जी, नरमैल सिंह जी, कृपाल सिंह जी, हरदयाल सिंह भोलू जी, गुरमीत सिंह अकाली जी, इंद्रजीत सिंह रिट्टा जी, सिकंदरजीत सिंह, मनजीत सिंह जी, गुरतेज सिंह नंबरदार जी, जसवीर सिंह भोला जी, सरचंद सिंह, मोहन सैनी जी, कृपाल सिंह सैनी जी, सतपाल सिंह जी, अजैब सिंह जी नंबरदार, रविंदर सिंह जी, पिंटू एक सरपंच, हमारा सतिंदर भाई, राजकुमार जी सुंदर नगर से, आपके बीच महिलाएं लेके आए हैं, प्रमोद शिवाला मंडी से, देसराज शिवाला मंडी से, गुरनाम जी ननेड़ा से, भूषण जसविंदर सिंह सुंदर नगर से, विजेंद्र सैनी जी चाचा जी हमारे बीच हैं, बलकार सैनी जी ननेड़ा से, अमरजीत सिंह जी, जगतार सिंह जी, पृथ्वी सिंह जी रंगिया मंडी से हमारे बीच महिलाओं को आपके गांव में लेके आए हैं। हम इनका तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हैं। एक बार इनके लिए सबके लिए ताली बजा दें आप। अंबाला से मुझे आप लोगों से भी आवाज चाहिए। मैं कुछ बोलूंगा उसका जवाब आप लोगों ने देना है और जोर से देना है, क्योंकि आज बहुत समय के बाद मैं गांव में आया हूं। जो गांव की महक होती है वो मेरे दिल को छू रही है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। मैं चित्रा मैम का बहुत बहुत धन्यवादी हूं। उन्होंने हमें मौका दिया, मुझे मौका दिया, मेरी टीम को मौका दिया, हम यहां पे आके आप लोगों से बात करें। बच्चों ध्यान से बात सुनो, शांत रहो, सिर्फ 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट। आज की जो ये रैली है ये महिलाओं से संबंधित है, तो हम जो बात करने आए हैं वो भी आप लोगों से ही बात करने आए हैं। बेटी के बारे में बात करने आए हैं, आप लोगों के बारे में बात करने आए हैं, महिलाओं के अधिकारों की बात करने आए हैं। जो हमारी बेटी है वो हमारे समाज का एक अनमोल हिस्सा है। जब हमारी बेटी पनपेगी तो हमारा समाज भी पनपेगा। आज हम सामने आपके सामने सिर्फ 15 मिनट का एक नाटक पेश करेंगे, जिसमें मेरी टीम के सदस्य हैं वो स्टेज पे आएंगे, उसमें बेटी भी है, इसमें वो जालिम भी है जो बेटी के साथ अत्याचार करता है, वो व्यक्ति भी है जो घर में महिलाओं के साथ शोर शराबा करता है, जोर जबरदस्ती करता है। मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि आप मुझे सिर्फ 15 मिनट दे दीजिए, हो सकता है कि हम वो बात आपके सामने करें जो हम सबसे सरोकार रखता है, क्योंकि महिलाओं के बगैर, हमारी बेटी के बगैर हमारा समाज, हमारा घर परिवार अधूरा है। हम आपके सामने नाटक पेश करने जा रहे हैं बेटियां और समाज। उसमें कुछ ऐसे हम दृश्य दिखाएंगे जो हमारे समाज में नहीं होने चाहिए, पर वो इसलिए दिखाए हमने ताकि हम समझ जाए कि हम गलती कहां पर कर रहे हैं। एक पेरेंट होने के नाते, मां बाप होने के नाते, ये जिम्मेदारी सिर्फ बेटी की नहीं है, ये हम सबकी है, मेरी है, जितने भी पुरुष समाज यहां बैठा है उनकी भी है। तो हमारे इस नाटक में दो सूत्रधार होंगे जो उस घटना के बारे में आपको समझाएंगे कि सही क्या है, गलत क्या है, हमें कहां ध्यान रखना होगा ताकि आए दिन जो हम बेटी के बारे में सुनते हैं वो हमें सुनने को ना मिले, क्योंकि उससे हम सब शर्मसार होते हैं। आइए देखते हैं नाटक बेटियां और समाज की पूरी भागीदारी। आज आए हैं उस भारत की बात करने जहां बेटियों को पूरा हक है,
कि वो अपनी क्षमता के अनुसार अपनी बात रख सके। आज उस भारत की बात करने आए हैं जहां बेटियों की पूरी भागीदारी है, चाहे वो राजनीति हो, सेना हो, आईपीएस हो, आईएएस हो, शिक्षण संस्थान हो, हर जगह बेटियां बराबरी कर रही। सरकार द्वारा नारी विकास के लिए तरह तरह के कदम उठा दिए गए, नारी सुरक्षा के लिए कड़े कानून बना दिए गए हैं, कड़े कदम उठा दिए गए, और समाज की सोच में भी बेटियों के लिए बदलाव आ गया है। क्या आज नारी सचमुच सुरक्षित है? फिर आए दिन क्यों रेप, छेड़छाड़, दहेज के लिए हत्या जैसी घटनाएं सामने आती हैं? महिलाओं के लिए कड़े कानून और हेल्पलाइन नंबर होने के बावजूद भी ऐसी घटनाएं आए दिन सामने आती हैं। कहीं 3 साल की बच्ची के साथ रेप, रेप के बाद हत्या, न जाने ऐसी कितनी ही घटनाएं जो आए दिन सामने आती हैं। बात तो सोचने की है, आज नारी हर क्षेत्र में कार्यरत है, पर सुरक्षित कहाँ है? नारी विकास और नारी सुरक्षा के दावे हर जगह हो रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के दावे हर जगह हो रहे हैं, मगर ये दावे आज की स्थिति के साथ कितना न्याय कर रहे हैं? और क्या कारण है कि नियम और कानून होने के बाद भी हालात काबू में नहीं है? और क्या सचमुच समाज की सोच बदली है? सोच तो बदली है, पर हर किसी की नहीं। आज भी समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो औरत को अपने पैर की जूती समझते हैं। तो आइए इसी स्थिति से जुड़ा एक पहलू देखते हैं। आइए। अरे कहाँ मर गई, जल्दी आ। जी वुमन। क्या वुमन, इतना टाइम लगता है तुझे आने में? जा पानी एक गिलास लेकर मेरे लिए। पता नहीं क्या करती रहती है दिन भर, काम चोर कहीं की। अभी रमा भाभी मिली थी मुझे, कह रही थी कि तूने उनसे नौकरी की बात की। जी वो कह रही थी कि ग्रेजुएट लड़की चाहिए। तो कान खोल कर सुन ले, ये नौकरी का नाम दोबारा तेरी जुबान पर है ना, तो तेरे हाथ पैर तुड़वा कर तेरे बाप के घर भिजवा दूंगा, समझी? बढ़िया आई ग्रेजुएट, चली नौकरी करने। लोग क्या कहेंगे कि रघुनाथ की बीवी नौकरी करती है और रघु उसकी कमाई खाता है? ये नौकरी का ख्याल दोबारा तेरे दिमाग में नहीं आना चाहिए, समझी? अरे बाबा आ गया, कहाँ से आ रहे हैं? अरे कहाँ से क्या, वहीं से मनुष्य की रिपोर्ट लेकर आ रहा हूँ। रिपोर्ट? वो जांच रिपोर्ट? और नहीं तो क्या, इतनी मुश्किल से कानून तोड़कर जांच करवाई है। क्या रहा बाबा, रहना क्या है, अब की बार भी वही लड़की। अब क्या करे बाबा, करना क्या, वही करते तो पिछली 2 बार किया है। भूण हत्या? मगर बाबा आजकल तो बड़ी सख्ती है, पकड़े गए तो? अरे जब जांच करा ली तो डर किस बात का, एक मनू से तेरी बीवी पहले से ही इस घर में है, अब इसके पेट में पड़ रही दूसरी मुसीबत भी घर में लाएगा क्या? लेकर चल इसका घर पास कराने। तू मनू हमें एक लड़का नहीं दे सकती, मेरे बाबा को एक पोते का मुंह नहीं दिखा सकती तू, जब से इस घर में आई है इस घर की खुशियों ग्रहण कर दिया तूने। चल चल तेरे पेट में पड़ रही इस मुसीबत को खत्म करने। एक बार हाँ कर दे,
क्या हुआ? कुछ लड़कों ने मुझे बहुत परेशान किया और उसका हाथी हो गई। एक लड़की ने मेरा हाथी पकड़ लिया। बड़ी मुश्किल से निकली हूँ वहाँ से। और जा कॉलेज। हजार बार तेरी माँ को बोले कि अच्छा सा लड़का देखो इसके हाथ पीले करने, पर मेरे इस घर में सुनता कौन है? पता नहीं भगवान भी मुझे कौन से कर्मों की सजा दे रहा है। पापा, इसमें मेरी क्या गलती? सारी गलती तेरी है। इतनी बार तुझे बोले कि कॉलेज जाना बंद कर दे, क्या करेगी बैठ के? तो चल जो करना है वो कर। कितनी बार तेरी माँ से कह कि ये लड़की एक एक दिन हमारे और हमारे खानदान का मुंह काला करवा कर ही मानेगी। पर पापा, इसमें मेरी क्या गलती? वो मोहल्ले मुझे आना जाने दो, कितनी लड़कियों को परेशान करते हैं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता? बस उससे तेरा कॉलेज जाना बंद बहुत करने पहले गई। इस प्रकार की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि हम ऐसी घटनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे ऐसे अपराधियों का हौसला बढ़ता है और उन्हें ऐसी हरकतें करने का मौका मिलता है, और एक छेड़छाड़ की घटना धीरे धीरे रेप की घटना में बदल जाती है। इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम नहीं, हम सबकी ये जिम्मेवारी है कि यदि हम अपने आस पास इस प्रकार की कोई भी घटना देखें तो ऐसे अपराधियों के विरुद्ध आवाज उठाएं, ताकि ऐसे अपराधियों का हौसला पस्त हो और उन्हें ऐसी हरकतें दोबारा करने का मौका ना मिले। और माँ बाप को चाहिए कि वो अपनी बेटी को शारीरिक और मानसिक तौर पर इतना ताकतवर बनाए कि वो ऐसी परिस्थितियों का मुंह तोड़ जवाब दे सके। और एक बेटा होने के नाते मैं ये कहना चाहूंगा कि अपनी विकास और सुरक्षा के लिए कार्य करने का सिर्फ बेटियों का ही हक नहीं है। एक माँ का बेटा, एक बहन का भाई और एक बीवी का पति होने के नाते यह समाज के हर बेटे का दायित्व है कि वह बेटियों को एक सुरक्षित माहौल प्रदान करे, ताकि हमारी बेटियां हमारे समाज को एक उज्जवल भविष्य दे पाए, हमारे भारत को एक उज्जवल भविष्य दे पाए। एक कोशिश खुद को बदलने की। जी हाँ, एक कोशिश खुद को बदलने की, एक कोशिश समाज को बदलने की। खुद को बदले और समाज को बदले, एक उम्मीद नए भारत की। हाँ, एक उम्मीद हमारे भारत की। यह था हमारा नाटक बेटियां और समाज। इस नाटक को लिखा और निर्देशित किया था आकाश शर्मा ने, इनके लिए जोरदार तालियां। इनका साथ सूत्रधार के रूप में लक्ष्य भारद्वाज ने दिया। इनके साथ जीत सिंह, संदीप कुमार, इंदु शेखर और सबसे इंपॉर्टेंट चिंकी कौर के लिए जोरदार तालियां। इनके बगैर हमारा ये नाटक संभव नहीं था। जितनी प्रताड़ना इन्होंने इस नाटक के दौरान झेली, मुझे पूरा विश्वास है बहुत सारी महिलाएं ऐसी प्रताड़ना झेलते हैं। समय आ गया है, हमें सोचना होगा, हमें बदलना होगा अपने आप को, हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। हमारे देश में कानून है, मगर कानून हमारा साथ तब देगा जब हम अपनी आवाज उठाएंगे। आपने देखा होगा कि आज के डेट में आर्मी के यूनिट्स में कमांडिंग ऑफिसर अब महिलाएं हैं। अब महिलाएं जहाज भी उड़ा रही हैं। सबसे बड़ी सशक्त महिला हमारी चित्रा सरवरा मैम है। आप लोगों को भी आगे आना होगा, आगे निकलना होगा। इस नाटक की देखरेख मेरे द्वारा हुई। मैं भारत सोपोरी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक ये बात सुनी और मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ न कुछ हम आज समझ गए होंगे। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप जितने भी लोग यहां पे नहीं आए हैं, आप उनसे भी ये बात करें, और हम दोबारा इस गांव में आएंगे और फिर एक नई मुद्दे के साथ आपके सामने समक्ष होंगे। नमस्कार। मेरी माताओं से मैं आग्रह करूंगा कि बस अब चंद सेकंड है, प्लीज आप मत जाएं, चंद सेकंड है। हरीश रिंकू जी, सुरेंद्र जी, सतपाल मौली जी, रोहित चौधरी जी, सुखबीर मंगा जी, जनक प्रसाद सैनी जी, सुखविंदर सिंह छोटू जी, जसवीर सिंह मास्टर जी, बिल्ला जी, हम इन सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और मोड़ा से भी हमारे साथी करतार सिंह टक्कर जी, रविंदर सिंह टैणू जी, नंबरदार मोड़ा जी,
अमर जी सरपंच जी और हमारे भाई बंटी वालिया जो सबको लेकर आपके बीच पहुंचे, मैं आप सबसे यही आग्रह करूंगा कि एक बहुत अच्छी प्रस्तुति हम आपके बीच लेकर आ रहे हैं और उसके बाद चित्रा जी वहां से चल पड़ी है, चित्रा जी वहां से चल पड़ी है, बस चंद सेकंडों में आपके बीच पहुंचने वाली है। तो मैं आग्रह कर रहा हूं आसमां पे नजर लेकर हमारी बच्चियां हमारे बीच आ रही हैं। मैं इसलिए महिलाओं
अपने पुरुष साथी हैं, उनका हमने गुरुद्वारे के अंदर बैठने का अरेंजमेंट किया हुआ है, क्योंकि महिलाओं को ये गांव की महिलाएं लेकर आ रही हैं। आदरणीय सभी मेरी बहनें, सबसे पहले मैं अपनी बेटी चित्रा जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज के युग में वो काम कर दिखाया इस बेटी ने, शायद ही कोई अंबाला की धरती पर आज तक कर सकया हो। झंडे के बारे में तो बताया ही है आपको,
जो आप जी का ये महिला के महिला शक्ति का सबसे क्रांतिकारी झंडा चित्रा जी को बधाई जाती है। पूरे भारत वर्ष में जहां सारी स्टेटों से और लोगों ने भी आप अपने मॉडल आर्टिस्ट बनाकर भेजे थे, लेकिन इंटरनेशनल कांग्रेस पार्टी ने जब चित्रा जी का यह जो बीच में चित्र बनाया हुआ है इसके अपने हाथ से राहुल गांधी इतने प्रभावित हुए, और मैं आपको एक चीज और बात बताना चाहता हूं कि जब तक दुनिया रहेगी ये वो काम किया इस बच्ची ने, जब तक दुनिया रहेगी जब तक ये झंडा ऐसे ही झूलता रहेगा, और पूरे दुनिया में इसका मान सम्मान हमारी बेटी का नाम सदा के लिए दुनिया में चलता रहेगा, और आप लोगों का नाम भी साथ में, क्योंकि हमारे अंबाला जिला की ही आन मान शान नहीं, हम तो चौधरी निर्मल सिंह को ही कहते थे कि वो पूरे हरियाणा के लीडर हैं, लेकिन अच्छे बच्चों का यहीं से पता लगता है। इस बच्ची ने पहले स्टेप में ही इतना बड़ा काम करके दिखाया, और जो आज लोग आप बैठे हो पूरी दुनिया में, आज लैब भी चल रहा है आप लोगों का, टेलीविजनों में चल रहे हैं आप लोग सारे, वो चित्रा की देन है सारी, वो लैब सिस्टम चल रहा है पूरी दुनिया में दिखाया जा रहा है आप लोगों को। इतना बड़ा काम, मैं तो बहुत आभारी हूं इस बेटी का जो के इस प्रोग्राम के लिए, यहां भी मैं इसका बहुत धन्यवादी हूं कि इस प्रोग्राम के लिए इन्होंने साबर गांव को चुना, और हमारी आपस में बैठकर डिस्कस हुई, मुझे कहने लगी अंकल आपका गांव बहुत पुराना, पापा जी कहते हैं बहुत एक सूझबूझ इंसान यहाँ रहते हैं, और मेरी सदा इन्होंने बहुत मदद की है कि तू पहला कदम जब रखने जा रही है राजनीति में तो साबर से रख दे, तो आज उसका श्री गणेश भी है राजनीति का, हम उसको सम्मानित करेंगे, एक झांसी की रानी बनाकर यहां से भेजेंगे ताकि इस इलाका की आन बान शान बने और इस इलाका को तरक्की की तरफ लेकर जाए, ताकि हमारा दुनिया में आने वाली पीढ़ियों में जो इसने आप लोगों के लिए आज ये मीटिंग रखी है, ये मीटिंग बहुत ही महत्व रखती है। इसके बारे में जो आज हमारी बच्चियां, जो हमारे बच्चे आज पढ़ लिख कर बेरोजगार हैं, आज तक किसी ने नहीं यह सोचा। बच्चे चुप, आप प्लीज सुनिए, आपके भविष्य की बात है, आपके लिए काम आएंगी ये चीजें, जो आज नींव रखी जा रही है सी, वो सारा स्नेह चित्रा को जाता है, ये आने वाला समय बताएगा आपको। ये जो आज मूवियां बननी है इन मूवियों पर देखेंगे हमारे चेहरे भी, हम चले जाएंगे लेकिन आने वाली पीढ़ियां ये चीजों को देखेंगी, हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए महिला के लिए खास करके जो आज तक क्या कहावत थी, पैर की जूती बताते थे, जब गुरु नानक आए 550 साल पहले, आपको याद होगा इतिहास, 550 साल पहले गुरु नानक जी ने एक महिला को शक्ति दी थी,
और उसने ऊंचा दर्जा देकर एक मान सम्मान देकर उसने ये कहा था ये किसी से कम नहीं है। आप इसको कम कैसे गिनते हैं? कोई भी लेडीज की इज्जत नहीं किया करते थे, ऐसा समझते थे ये तो रोटी पकाने वाली मशीनें हैं, रोटी पकाए चूल्हा चौका करें और कुछ ना करें। ऐसे हालात थे देश में, अब तक रहे ही हैं, लेकिन 550 साल पहले गुरु नानक जी ने जगा दिया था, ये पूरी दुनिया को जगाया उन्होंने। लेकिन 550 साल लगने से बाद आज कुछ कुछ हमारी बच्चियां बीच में से पढ़ लिख कर जो सूरवीरता दिखाने लगी हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। और आने वाला समय और भी इतना बढ़िया होगा कि जो बच्चों का भविष्य है, मैं एक बात आपको जरूर कहना चाहूंगा, आज ये सबको मिलेगा रौड़ा कम पाए, ये सब लोगों को जो आज इस समय में गुजर रहे हैं उन लोगों को स्नेह जाएगा कि इन्होंने ये नीम रखी थी। और आने वाला जो समय है, और ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो सरकारें आज राज कर रही हैं उनको शर्म आनी चाहिए। बड़े बड़े बोर्ड लगाए हुए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं उनसे पूछना चाहता हूं जो आज सत्ता में है राज कर रहे हैं वो लोग, वो कैसे कहते हैं ये चीज अपनी जबान से? उनको शर्म आनी चाहिए जो अपनी जबान से बात कहते हैं। लेकिन एक गरीब से गरीब इंसान अपनी बेटी को बचाता भी है और पढ़ाता भी है, मजदूरी करके भी बेटी को पढ़ा लेता है, उसके बाद उस बेटी का भविष्य क्या है कोई भी विषय नहीं जानता उस बेटी का। हालात इतने माड़े हैं, आज बेटी क्या सुरक्षित है? वो तो जब ये राजनीति था इनका आया हुआ, ये बातें कहा करते थे लोगों को कि ये बेटियां थी ये बहने ये खुली घूमेगी, कोई इनको कुछ कहने वाला नहीं होगा। लेकिन शर्म आनी चाहिए इन लोगों को जब राजों पर बैठे हैं। आज हमारी बेटी रात को तो छोड़ो, आप दिन में भी कहीं कली नहीं जा सकती। ये हालात आपके हरियाणा, खासकर हरियाणा के बड़े हुए हैं, आप रोज टेलीविजनों पर देखते हैं ये चीजें। और मैं चित्रा को इसीलिए बधाई देना चाहता हूं कि चित्रा ने ये प्रोग्राम आपके लिए इसलिए रखा कि आप तकड़े हो अपना हक जानने के लिए, आपको पूरा अधिकार है, ताकि आप इस बच्ची के पीछे लगो और यह बच्ची आपके हकों की लड़ाई लड़ेगी। हमें भी जैसे निर्मल सिंह जी कहते हैं कि इस बच्ची पर हमारे बहुत आशे हैं, मैं भी आपको एक सिख होने के नाते आपको अपने धर्म की बात बताता हूं कि हमें भी इतना विश्वास है इस बच्ची पर कि आने वाला समय बताएगा कि यह चार चंद लगाएगी, चार चंद से भी कई गुना। और आप देखेंगी कि आपकी जो आवाज, आपकी आवाज उठाने वाली, जब तक आपकी आवाज विधानसभा में कोई ना हो, राज्यसभा में कोई बोलने वाला ना हो, कोई नहीं पूछता, जब तक। अब हम इनको शक्ति देकर भेजेंगे, तकड़ी कर भेजेंगे कि आप हमारी बहनों के लिए, बच्चियों के लिए, बेरोजगारी के लिए, जो हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं उनके लिए आप ये लड़ाई लड़े। और हमने एक मेरी और बेनती अपनी बहनों को, यह भी नोट कर लेना, कभी हमने किसी लालच में नहीं आना, किसी भी लालच में नहीं आना, और हमें ना लालच चाहिए। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो हम इन बातों में आ जाते हैं कि तुम्हारे को 5 किलो चौड़ दे देंगे और 10 किलो आटा दे देंगे, ये सारी उम्र चावल आटा ही नहीं खाएंगे, पेट भर के सारी जिंदगी ऐसे नहीं गुजारेंगे, अपने हक चाहिए। हमारे हक क्या है?
महिला शक्ति को शक्तियां दो, जो इनके हक है इनके हक दो, ताकि समाज के अंदर ये बचिए, अपनी छाती तान के जिए कि हम भी यहाँ समाज में जिंदगी जी रही हैं। ये बातें हमें चाहिए, हमें और बातों नहीं चाहिए कुछ भी। तो मैं ज्यादा ना कुछ कहता हुआ बहुत ही आज के इस प्रोग्राम में अपनी बेटी का धन्यवाद करता हूं, और वो शायद ही थोड़ी देर में वहां से चल पड़े हैं और 5-4 मिनट फट फुट में लगते हैं। आने वाले आपके बीच में उनके भी विचार आपने बड़े सम से सुनने हैं, और कोई अपनी बात भी कोई हो, कोई बात ऐसी नहीं रखनी जो कि हमने मंगता नहीं बनना, हक मंगना है, हक की लड़ाई मंगनी है, हक की बात करनी है कि जितना तू हमारे लिए आने वाले समय में क्या करके दिखाएगी, ये बात कहनी है। और पल्ला नहीं पसारना गड़ी, पल्ला नहीं पसारना, ये बताना कि जितना तकड़ी हो जा, और ये आन के ये बता कि इस महिला को आज ये जितनी बुजदिल बैठी है कल को एक खुश होनी चाहिए, और ये भी इतनी शक्ति होनी चाहिए कोई मुंह करके इनकी तरफ ना देख सके। कोई गलत आदमी जैसे मर्जी मेरी बहन रात को भी जाए दिन में जाए, जैसे फॉरेन के देशों में हमारी बच्चिए सर्विस करने जाती हैं, उनको कोई आंख उठा कभी ना देखे, उसको पता लग जाए कि यहाँ कोई महिला शक्ति अम्बाला में है, ये चाहिए हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये बातें मैंने आपने भी यही मांगनी है, इन बातों के लिए तकड़े हो, जो बातें आगे हमारे बच्चों को भी चाहिए है। ये अड़ाम्बा नहीं करना, हमारे बच्चे आपको ये कहे कि माता दादी तू ये करती रही, हम पीछे रहे, ये आप पीछे नहीं रहना है, अब तो अपनी शक्ति को पूरा डट के आगे होके दिखाना है, और अपने हक को साढ़े हक ऐथे रख, ये कहना है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दोबारा आ रहे हैं। तो नौकरी कहां से? नौकरी तो ये पूरे देश में कहते थे 2 करोड़ नौकरी मिलेगी जब आए थे, कहां है हमारे बच्चों के लिए नौकरी कहां है? ऐसे से बहुत से सवाल हैं जो आप सबने करने। इसी के साथ बड़ी अच्छी प्रस्तुति लेकर पूनम हमारे बीच, कौन सा गाना है जी वो? काना सोजा जरा।
जी ने करा, मेरे को तो लग रहा है वो पिक्चर में वो अच्छी सी हीरोइन भी नहीं कर पाई, लेकिन आपने ताली नहीं मजेदार बजाई। एकदम गेट के नजदीक पहुंच चुकी है, खत्म हो चुका है वहां का प्रोग्राम। मेरी भी घरवाली वहां पर है, उसने भी फोन किया कि मेरे को कार मंगवाओ, मैंने घर जाना है। तो इसका मतलब वहां सब खत्म हो गया। अब आपने शांति बनाए रखना है और थोड़ी देर और इंतजार करना है। इतने हम आपको और दो चार चीजें अच्छी अच्छी दिखा देते हैं। एक बहुत ही सुंदर कैंसर के ऊपर, जो आज ये हमारी बीमारी कैंसर फैल रही है, उसके ऊपर लेके भरत जी एक छोटी सी और नाटिका लेके आपके विचार समस्या पे बात करेंगे, जिसका नाम कैंसर है। कैंसर जो है वो गरीबी अमीरी नहीं देखता, बहुत सारे लक्षण हमारे शरीर में ऐसे आते हैं जिनको हम नज़रअंदाज करते हैं। हमें उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उन चीज़ों को, उन लक्षणों को नज़रअंदाज करेंगे तो हम कैंसर को अपने शरीर में पनपने का मौका देंगे। जैसे हमने आपको पहले प्रस्तुति दिखाई, ऐसे ही एक प्रस्तुति और हम कैंसर के बारे में हम आपके सामने रखेंगे। तो हम सबको सचेत होना पड़ेगा आने वाले दिनों में। आंकड़े कहते हैं कि महिलाओं की सबसे ज़्यादा मृत्यु स्तन कैंसर से होती है, और हम बात करने से संकोच करते हैं। अब समय आ गया है कि जब हमें बात उसके विषय में करनी पड़ेगी, एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। जो हमारा, जो हमारी ये नाटिका है, उसमें हम आपको ये दिखाएंगे कि हम गलती क्या करते हैं जब हमें उस बीमारी का इलाज करना है। और जब हम उसका इलाज करने जाते हैं तब तक वो समय निकल चुका होता है, हम उस बीमारी का इलाज चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं और हमारी मृत्यु का कारण बन जाती है। आप लोगों से अनुरोध है कि आप ध्यानपूर्वक सुने, ज़्यादा नहीं है, ये भी 10 मिनट का ही एक नाटक है, तो आप कृपया देखिए। कैंसर जो बीमारी है वो जानलेवा है, कैंसर जानलेवा है, पर लाइलाज नहीं है अगर हम समय पे उसका इलाज करें। आइए देखते हैं। एक कोशिश सचेत होने की आपको कैंसर के बारे में, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो समाज को धीरे धीरे अपने गर्त में ले रही है। आज लाखों की संख्या में लोग कैंसर की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं, और महिला संबंधी कैंसर में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर आ गया। एक ऐसी समस्या है, ऐसी बीमारी है जिसे बचने का उपाय सिर्फ और सिर्फ अवेयर होना है, सचेत होना है। सचेत होना है, मगर हम सचेत कैसे हो सकते हैं? कुछ अहम बातों को ध्यान में रखकर, अलग अलग समय पर अपने शरीर में हुए अनावश्यक बदलावों को नजरअंदाज ना करकर, क्योंकि सिर्फ एक यही अवेयरनेस है जो आपको कैंसर के घातक रूप से बचा सकती है। कैंसर के केसेस में आमतौर पर जो लापरवाही होती है, आइए उसी से जुड़ी एक कहानी देखते हैं। आइए, चलो आज तो आपके भाई मना देते हैं, सिर्फ 300 रुपए की, इससे आपका
तो सच है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैंने तुझे पहले ही बीमारी में दवा दी है और तू इसी से ठीक होगी। एक काम करते हैं, पहले हॉस्पिटल देते और एक अच्छे स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं। नेक्स्ट पेशेंट है। नेक्स्ट पेशेंट मैंने आपको कुछ टेस्ट करवाने का बोला था, आपने करवा लिया? जी डॉक्टर। आपके साथ ही आया जी डॉक्टर साहब, फादर आए। आप एक काम करिए, आप बाहर वेट करिए, अपने फादर को अंदर भेज दीजिए। जी डॉक्टर साहब। नमस्कार, आपने आने में देर कर दी। अगर आप कुछ समय पहले आए होते तो कुछ हो सकता था। आपकी बच्ची को कैंसर है जो अपनी नॉर्मल स्टेज पार कर चुका है, अब जिसका इलाज संभव नहीं है। आपकी बच्ची के पास अब थोड़ा ही समय है। सॉरी, चाहते हैं सचेत करना चाहते हैं, हमारी महिलाओं को अवेयर करना चाहते हैं, सचेत करना चाहते हैं, क्योंकि भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर आ गया है महिला संबंधी कैंसर में। अगर आप लोग अपने शरीर में कोई भी दर्द का लगातार बने रहना, शरीर के किसी भी हिस्से पर तिल जैसे निशान का होना, क्योंकि हर तिल सिर्फ तिल हो जरूरी नहीं, वो कैंसर भी हो सकता है। जख्म का जल्दी ठीक ना हो एक छोटी सी नाटिका जिसमें हमने आपको सचेत कर दिया कि जितने भी बदलाव हमारे शरीर में आ रही हैं, हमारा वजन घट रहा है, तो वो कारण कैंसर का हो सकता है। उसको इग्नोर ना करें, उसको नजरअंदाज ना करें। कैंसर के कई कारण हैं, कैंसर के कई किस्में हैं। त्वचा का कैंसर हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है, खून में कैंसर हो सकता है। तो कोई भी बदलाव अगर आप देखते हैं तो उस बदलाव को आप सीरियसली लें और अच्छे डॉक्टर के पास दिखाएं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं टीम का एक बार फिर पुनः इंट्रोडक्शन कराता हूं। सबसे पहले हैं इंदु शेखर।
अबे कालू छोटा पड़ रहा है तो मेरे को आना पड़ेगा वहाँ पे। एक मिनट आखिर आना ठीक है। ये जो टीम आप देख रहे हैं राहुल गांधी जी की आज आपके गांव में पहुंची है और इनका स्वागत करने के लिए एक बार फिर पिंकी जी की टीम हमारे बीच सारे घुमाते हैं। अब मैं जो स्टेट हरियाणा के उनको उनके प्रेजिडेंट को बोलूंगा कि वो आए और दीपेंद्र जी का स्वागत करें। सारी टीम वो आए और उनका दीपेंद्र जी का स्वागत करें। बहुत बहुत सबसे पहले आप सबसे माफी बनती है। हमारी मातृशक्ति यहाँ पे सारी आई, आसपास के गांव से हमें आने में देर हो गई, तो सबसे पहले मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। और हमारी आज पार्लियामेंट रोहतक श्री भूपेंद्र हुड्डा जी सब प्लीज एक बार मेरा इटालियन से स्वागत करेंगे। वो खेल से जुड़े हुए हैं और ये आज खिलाड़ी उनका अलग से स्वागत कर रहे हैं। वॉलीबॉल की टीम है, वो भी रहे हैं। मैं इसके बाद अब कांग्रेस की टीम, सबसे पहले महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुष्मिता देव जी आज पहली बार अंबाला आई हैं और पहली बार मेरे बाद मानिए हरियाणा के किसी गांव की चौपाल में यूं महिलाओं के बीच में बैठी हुई, तो ये आज हमारे लिए भी खुशी की बात है, उनके लिए भी। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी और हरियाणा की इंचार्ज और साथ में हमारे बहुत ही एक दिग्गज नेता हरीश रावत जी की बेटी अनुपमा रावत जी आज हमारे बीच में हैं, आज उनका भी हम स्वागत करते हैं। महिला कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी हमारी चैनिका जी, हमें क्या है, हमने आज रात को क्यों को लेके वैसे भी तंग रहते हैं, एक बड़ी मुश्किल लड़ाई हमें लड़नी है और आज उसके लिए आपने थोड़ा सा इंतजार भी किया। सुष्मिता जी, राहुल जी से जब बात हुई, राहुल जी ने कहा ये मैनिफेस्टो मैं अपने कमरे में बैठ के नहीं बना सकती, मैं महिलाएं जहां हैं उनसे जाके मिलूंगी, उनसे बात करूंगी। और हरियाणा महिला कांग्रेस आज इसी यात्रा पे निकली है, सुबह से वो चले हुए हैं। जब अंबाला आए तो उन्हें शहर में एक टीम से मिले जहाँ पे
हमारे इंस्पायरिंग हमारे सांसद दीपेंदर हुड्डा जी से कहूंगी कि दो शब्द आज इस महिला चौपाल में हमारी बहनों से हमारी बेटियों से जरूर कहें। राम राम जी, सत श्री अकाल जी। हमारे बीच में हमारी महिला कांग्रेस की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, खास तौर पे आपके बीच में जो चलते आए हैं और जो संसद में हमारी जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है उसमें मैं उनकी सबसे बुलंद आवाज मानता हूँ। और मैं जो ये कह रहा हूँ ये अपने मैं केवल ऐसे नहीं कह रहा, मैं भी 14 साल से उस देश की सबसे बड़ी संसद का एक सदस्य हूँ और मैंने बहुत तीनों हाउस देखे, तीन बार लोकसभा और बहुत से सदस्य देखे और अपनी पहली टर्म में पहली बार लोकसभा में कोई सदस्य या सदस्य पहुँचा हो और उसने देश की सबसे बड़ी पंचायत पे इतनी बड़ी छाप छोड़ी हो ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। तो हमें गर्व है अपनी बहन पे, वहाँ सांसद है, मेरी साथी हैं और महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राहुल जी के संदेश को लेकर आज आपके बीच में पहुँची हैं और मैं भी आप सब की तरफ से उनका आपके साथ मिलकर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि आज हमारे पैनल में यहाँ पर पहुँची हैं। बहुत उम्मीद है जिनसे आने वाले समय में हमारी पार्टी को और देश हमारी बहन विधायिका और हरियाणा की पूर्व मंत्री शिक्षा मंत्री भी रही, महिला बाल विकास मंत्री भी रही, कई महकमे में रहे और अभी मौजूदा विधायिका हैं गीता भुगत जी, हमारी हरियाणा की महिला कांग्रेस अध्यक्षा सुमित्रा चौहान जी, अनुपमा रावत जी, याविका जी, हमारी एक और बहन जिनकी आज मेहनत से आज ये पूरा कार्यक्रम इतनी देर से हम आपके बीच में आए, 2-3 घंटे देर मेरे को लगता है कि पता नहीं कितने बजे का टाइम था मगर बहुत घंटों से आप लोग यहाँ बैठे हो, इतने घंटों हम देरी से आए, हम तो सोच रहे थे कि इतने जब पहुँचेंगे तो कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा मगर आप सबका धन्यवाद है मगर जिनकी मेहनत यहाँ पर दिखाई दे रही है। हमारी बहन चित्रा जी जिनको मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ क्योंकि जिनकी मेहनत मैं देखता हूँ दिन और रात जिनकी मेहनत इस पूरे क्षेत्र में यहाँ के लोगों के लिए और केवल यहाँ के लोगों के लिए नहीं, अभी केरल में जो फ्लड आए थे, बाढ़ आई थी उसके लिए मैंने देखा पूरे हरियाणा में अगर किसी ने काम किया, केरल में लोग तकलीफ में थे तो हमारी बहन को उसकी तकलीफ का एहसास हुआ, आप सबको एहसास हुआ और सबसे ज़्यादा अगर कहीं काम हुआ केरल के फ्लड में बाढ़ के अंदर राहत पहुंचाने में तो यहाँ इस क्षेत्र में हमारी बहन चित्रा ने किया। ये मैं समझता हूँ कि ये प्रतीक इस बात का है, आने वाले समय में इनके नेतृत्व का प्रतीक है और इनसे भी बहुत हमें उम्मीद है। हमारी बहन सुनीता जी, रेणु जायसवाल जी, हमारी बहन मीना जायसवाल जी एक मिल नहीं पाए मगर वो भी जो है आई है, हमारी बहन मीना जायसवाल जी लंदन से लेकर और अपना जो है जीन तक जो जिनका हमारी बहन नीना राधी जी महावीर से सुधा भारद्वाज जी, पूजा शर्मा जी, रविता मेहता जी, डॉक्टर अमिता मोहन जी सभी जो है हमारे इस प्रांगण में उपस्थित मेरे पिता के समान बुजुर्ग नौजवान साथी मातृशक्ति माताएं बहनें, आज भाषण का लंबा कार्यक्रम नहीं है और जो बात रखनी है वो हमारी बहन सुष्मिता रखनी है मगर ऐसे समय पे ये जो महिला अधिकार यात्रा महिला कांग्रेस ने पूरे हरियाणा में निकालने का फैसला किया, मैं महिला कांग्रेस को सुष्मिता जी को इस फैसले के लिए और इस यात्रा के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। सही फैसले पे आपने यात्रा निकालने का काम किया, सही फैसला इसीलिए है और सही समय इसीलिए। समय क्यों? क्योंकि अब चुनाव ने दस्तक दिए, 4-6 महीने के बाद लोकसभा का विधानसभा का चुनाव होगा, बड़ा फैसला, नारी सुरक्षा होगी, महंगाई की मार कम होगी, पेट्रोल डीजल का
गैस के कनेक्ट गैस का भाव कम होगा, बहुत बड़े बड़े वायदे किए गए। 70 साल में कुछ ऐसा करेंगे जो आज तक 70 साल में नहीं हुआ, मगर तारीख नहीं बताएंगे। ये काम कब करेंगे इनकी तारीख नहीं बताएंगे, क्योंकि हमने राम मंदिर की आज तक तारीख नहीं बताई, तो 15 लाख की क्यों बताएंगे भाई। बड़ी बड़ी बात की गई मगर कुछ हुआ नहीं। अब देश मंथन कर रहा है और इस मंथन में फैसला आपको करना है। राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी देश में एक मजबूत विकल्प लेके आते हैं, आप लोगों के बीच में आई। देश विकास में तो 15वें और 16वें नंबर पे, और अपराध में देश में सबसे आगे, महिलाओं के ऊपर अपराध में देश में सबसे आगे, कानून व्यवस्था की विफलता को आज पहुंचाने का काम इस सरकार ने किया, कोई काम नहीं किया। तो मैं समझता हूं ऐसे समय में महिला शक्ति आगे आए और देश को और हमारे प्रदेश को महिला शक्ति एक आने वाले समय में नेतृत्व प्रदान करे, तो ऐसी सोच राहुल जी की है और ऐसी सोच वो सम्मानित करने जा रही हैं। सुष्मिता देव जी की जगमोहन कौर जी करेंगी इनका स्वागत। सुष्मिता चौहान जी का लक्ष्मी देवी जी, सुमित्रा चौहान जी जो हमारी प्रदेश की संगठन की प्रधान है, माननीय गीता भुक्कल जी साथ सब साथ में हाथ लगाओ, अनुपमा रावत थोड़ा साथ भी पर, अनुपमा रावत जी और चित्रा सरवारा जी का भी सब स्वागत कर रहे हैं, कौर जी सब आपका स्वागत कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कहूंगी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इधर आज पास आ जाए, तो इसके लिए हमारी औरतें चाहती हैं कि हमारे हमारे एरिया में कोई आउटस्टैंडिंग हो सके तो आउटसोर्सिंग हो सके तो ये जरूर करना हमारे लिए। कि पहले तो कहते हैं बताते हैं जा अपने अपने घरों में आके लड़कियों को बैठा देते हैं, बताओ मैडम इस समय हम क्या करें, हमको ऐसा चाहिए कि जो दहेज प्रथा है उसको बंद किया जाए, दहेज के कारण पहले लड़की को तंग करेंगे कि तो दहेज लेके आओ ये सामान लेकर आओ, अगर वो पैसा नहीं दे सकते तो उनको आप तब जा तो उनका जलाकर मार देंगे जा उनको मायके में बैठा देंगे। मैडम प्लीज हमारे लिए कुछ ऐसा करो कि ये दहेज प्रथा खत्म हो और ये तो तलाक का जो है ये सिस्टम खत्म हो। थैंक यू मैम। जैसे गांव में यहाँ पे वुमेन्स आजकल हेल्थ इशू बहुत होते जा रहे हैं, मेरा नाम सरबजीत कौर है, तो हेल्थ इश्यूज आजकल इन्वायरमेंट लगा लो पॉल्यूशन लगा लो तो हेल्थ इश्यूज बहुत हो रहे हैं, तो गांव में कहीं पे भी वुमेन फिटनेस के लिए कुछ नहीं है। डिस्पेंसरीज जरूर हैं बट वो इतनी अच्छी नहीं है कि वहाँ पे हमें कोई लैब कोई टेस्ट नॉर्मल टेस्ट ब्लड शुगर एक नॉर्मल बीमारी है जिसका टेस्ट भी गांव में अवेलेबल नहीं है। डिस्पेंसरी सिर्फ एक माँ और बेबी के लिए है उनकी वैक्सीनेशन के लिए, दैट्स ऑल, कुछ भी कोई भी फैसिलिटी नहीं है, नॉर्मल गर्ल्स के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। मैरिड लेडीज़ जा सकती हैं आराम से, उनके अच्छे घर की लेडीज़ आराम से डॉक्टर पे चली जाएंगी, बट विडोज़ या पुअर लेडीज़ डॉक्टर्स पे नहीं जाएंगी क्योंकि आजकल महंगाई भी बहुत है, तो इसके लिए फिटनेस के लिए ज़रूर देखना चाहिए। सेकंड मेरा पॉइंट है वुमेन सेफ्टी, आजकल पढ़ाते सब हैं, सब पेरेंट्स लड़कियों को पढ़ाते हैं, 90% गर्ल्स एजुकेटेड है, बट वो बाहर क्यों नहीं जाएंगी, क्योंकि उनके पास सेफ्टी नहीं है, उनके पास सेफ्टी खुद की है, वो पेपर स्प्रे ले लेंगी सेल्फ डिफेंस आ जाएगा, बट लोगों की सोच कैसे बदलोगे, मेरा पॉइंट ये है कि आप लोगों की सोच कैसे बदलोगे, लोगों की सोच नहीं बदलेगी तो हमारे पेपर स्प्रे भी काम नहीं आने वाले। थैंक यू। अभी 2 दिन पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि धारा पहले 370 को लागू कर दी, हटा दिया गया, और उसके बाद
दो दिन बाद ही सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे रहा है कि 497 भी। तो इसके बाद सुबह 6 बजे मेरे घर पे टीचर आती हैं और मुझे ये पूछते हैं कि लक्ष्मी जी, महिला कांग्रेस इसके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखती है। तो मेरा उनके माध्यम से, मेरे माध्यम से उनका ये सवाल है कि महिला कांग्रेस इसके बारे में क्या सोचती है 497 के बारे में। सिर्फ महिलाओं के लिए है, मेरा सवाल उन ओल्ड एज महिलाओं के लिए है जो इस उम्र में बहुत ही बीमारियों से ग्रस्त हो जाती हैं और कहीं आने जाने में लाचार हो जाती हैं, वह परिवार उनका साथ छोड़ जाता है। क्या उन्हें घर पर ही इलाज देने के लिए कांग्रेस पार्टी कोई पॉलिसी लेकर आएगी? किसी भी गरीब और अमीर के बीच में मतभेद नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। जनक शर्मा, चंद्रपुरी मछंडा। और हमारी कुछ बातें सुनने के लिए मैं थोड़ा सा बोलूंगी कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ये चाहते थे कि हम लोग जो सदन में बैठते हैं, विधानसभा में बैठते हैं, हम नियम कानून बनाते हैं, हम नीति बनाते हैं और इन नीतियों का जो हम तय करते हैं सदन में बैठ के, विधानसभा में बैठ के, हम कभी जनता से पूछते नहीं है शायद कि हमें क्या करना चाहिए। इसलिए राहुल गांधी जी का ये उनकी एक इच्छा थी कि महिलाओं से, चाहे वो खेत में काम करने वाली महिला हो, चाहे वो सिलाई करने वाली महिला हो, चाहे वो फैक्ट्री में काम करने वाली महिला हो, चाहे वो सिर्फ घर में जो गृहिणी होती है, हाउस वाइफ हो, उन सब से पूछ के जब हमारी सरकार हरियाणा में आएगी या दिल्ली में आएगी तो आप सब को हमसे चाहते हैं, आप सब से सुनकर फिर हम उसको लागू करें देश में। इसलिए आज हम आपके बीच में आए हैं और हुड्डा जी मेरे साथ, दीपेंदर हुड्डा जी मेरे साथ हैं। उन्होंने कहा कि मेरी आवाज़ सदन में बहुत बुलंद है, पर मैं ये कहूँगी कि मेरी आवाज़ सदन में इसलिए बुलंद है क्योंकि मैं देश के हर महिला के लिए बोलती हूँ और मेरे पीछे आप सब की आवाज़ है, इसीलिए मेरी आवाज़ बुलंद है। इसलिए सदन में जब भी मुझे बोलते हुए देखेंगे ये आप जान लीजिए कि मैं आपके लिए बोल रही हूँ। और महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और हमारे माननीय विधायक जी ने, जो हमारी गीता जी ने जो हमारी मदद की इस प्रोग्राम में, आप सब ने, वो सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबका नाम नहीं ले रही क्योंकि बहुत लेट हो गए हम। मैं दो तीन में शॉर्ट में जवाब दूंगी। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उसमें ये नहीं लिखा है कि अगर कोई पति कुछ गलत काम करता है कि वो ठीक है, ये निर्णय नहीं है। उन्होंने कहा ये कानून इसलिए गलत है कि अगर कोई पत्नी गलती करती है पति केस कर सकता है, तो अगर पति केस कर सकता है तो पत्नी को भी केस करने का हक होना चाहिए। अभी जो कानून था वो था कि आपके शौहर, आपके पति आपके ऊपर केस कर सकते हैं, आप उनके ऊपर केस नहीं कर सकते। तो कोर्ट ने कहा ये कैसे हो सकता है, महिला को भी ये हक होना चाहिए अगर उसका पति कोई गलती करे उसके अगेंस्ट क्रिमिनल केस लाए। इसलिए उन्होंने सदन के ऊपर छोड़ दिया है कि आप इस कानून को लाइए कि अगर पति या पत्नी जो भी गलती करेगा उसके लिए एक कानून होना चाहिए, सिर्फ इतना कहा है। तो बहुत लोगों ने इसको शायद गलत समझा। इसके अलावा आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही रोजगार की, कि गांव की महिलाएं घर में रहती हैं, घर का कामकाज करती है, उनके लिए घर से बाहर जाके रोजगार करना बहुत बहुत मुश्किल काम है। ये बहुत ही अहम मुद्दा है और हम राहुल गांधी जी को बोलेंगे कि जब हमारी सरकार आएगी, जो महिलाएं घरेलू काम करती हैं, चाहे वो खाना बनाने का हो, चाहे बच्चों को पालने का हो, अगर आपके पति की तनख्वाह 10 लाख से नीचे है साल में, 10 लाख से नीचे है, तो जो महिला घर का काम करती है उस काम को भी हम काम की तरह देखें, नौकरी की तरह देखें। सिर्फ अंतर ये है कि वो घर में कर रही है, पुरुष बाहर करता है, और उस काम को देखते हुए हर गृहिणी को
जिस तरह से विधवा को एक भत्ता मिलता है, उसी तरह हाउसवाइफ को घरेलू काम करने वाली महिलाओं को भी हर महीने एक तरह का भत्ता मिलना चाहिए। ये कांग्रेस सरकार आपके लिए करेगी। इसके अलावा आप लोगों ने चिकित्सा की बात की, आई थिंक आपने हेल्थ की बात की। चिकित्सा का सबसे बड़ा समस्या ये है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम पब्लिक हेल्थ सेंटर तो बना देते हैं पर उसमें डॉक्टर नहीं होता, उसमें डॉक्टर नहीं होता। इसलिए एक बिल्डिंग बनाना, एक इमारत तैयार करना बहुत आसान होता है पर उस पर हम डॉक्टर नहीं डाल सकते। ये मैं कहूँगी हरियाणा की समस्या नहीं है, मैं आसाम से आती हूँ और हर प्रदेश में ये समस्या है। मैं दीपेंदर जी से बोलूँगी कि इसका जवाब दे, क्योंकि उन्होंने प्रदेश सरकार के कार्य को, काम को बहुत नज़दीक से देखा है। आज सीनियर हुड्डा जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे कि क्या समाधान हम इस ये कर सकते हैं, वो देंगे। मैं एक अंत में एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि आपने डाउरी के बारे में कहा, आपने कहा कि जब दहेज कोई मांगता है, हम बेटी को पढ़ाते हैं लिखाते हैं और दहेज फिर भी मांगा जाता है। इस सवाल का जवाब किसी महिला से नहीं पूछना चाहिए, पर आज इस महिला चौपाल में बहुत सारे पुरुष हैं, मेरे पीछे भी है, मेरे दाहिने तरफ है, मेरे सामने है, मेरे बाएं तरफ है। अगर डाउरी जैसे सामाजिक प्रॉब्लम को, समस्या को अगर सुधारना है, वो कोई सरकार, कोई महिला नहीं कर सकती, पुरुष को वो परिवर्तन लाना पड़ेगा। और मेरा विश्वास है कि अगर मर्दों ने ठान ली कि मेरी संपत्ति मेरी पत्नी है, मेरी संपत्ति मेरी पत्नी है, मेरा धन मेरा पत्नी है, तो डाउरी की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डाउरी की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये परिवर्तन आएगा, मुझे विश्वास है। आपने सोच की बात की, देखिए ये कैसी सोच है। हम रिवाड़ी की बेटी से मिलने गए थे, रिवाड़ी में जो बलात्कार हुआ, हम उस बच्ची से मिलने गए थे। आप लोग विश्वास नहीं करोगे, वो बच्ची इतनी दुर्बल है कि उसको काबू में लाने के लिए 10 मर्दों की जरूरत नहीं, एक काफी है, पर 10 मर्दों ने उसका बलात्कार किया, 10 मर्दों ने उसका बलात्कार किया। और ये कभी परिवर्तन नहीं हो सकता जब तक हम अपनी सोच में परिवर्तन नहीं लाएंगे। पर एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि हरियाणा सरकार ने जिस लापरवाही से हर बलात्कार को और महिला पे बढ़ते हुए अत्याचार को, जिस लापरवाही से उन्होंने, मैं कहूंगी उन्होंने उसको डील किया है, मुझे दुख है कि हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जब ओलंपिक्स में गेम्स होता है, कॉमनवेल्थ गेम्स होता है, जब जब दुनिया से अलग अलग देशों के बीच में जब खेल होता है, गेम्स होता है, हरियाणा की बेटी गोल्ड मेडल जीत के लाती है, हरियाणा की बेटी गोल्ड मेडल जीत के लाती है, सिल्वर मेडल जीत के लाती है। हम हरियाणा को याद करते हैं, हरियाणा के बेटी को, कि हमारे देश को, हमारे देश का उन्होंने गौरव बढ़ाया। पर आज हरियाणा की महिलाओं का इतना बदहाल हम सोच भी नहीं सकते। और इसके लिए एक हद तक आपकी सरकार, यहाँ की सरकार का दायित्व है। और मुझे दुख होता है कहते हुए कि बलात्कार का राजनीतिकरण तो नहीं होना चाहिए, पर खट्टर जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मजाक बना दिया। हमने रेवाड़ी की बेटी को पढ़ाया, उसको हमने मेडल भी दिया राष्ट्रपति जी ने, CBSE में वो अव्वल नंबर पर आई, पर बेटी को पढ़ाने के बावजूद हम बेटी को बचा नहीं पाए। इसलिए वो परिवर्तन लाना भी जरूरी है। मैं दीपेंदर जी से कहूंगी थोड़ा सा हेल्थ सेक्टर के बारे में बताएं। जो कह रही थी कि ये दुर्भाग्य है, मैं समझता हूँ कि हमारे प्रदेश को इन घटनाओं ने कलंकित किया है। मगर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पिछले एक दो साल में जो मैंने सुष्मिता जी देश में देखा है, जो असंवेदनशील जो सरकारें देश में, उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा,
एक ऐसा हमारी एक बेचाने में लगी जो अपराधी थे, पूरे देश की मीडिया ने उसको उछाला, वहां के विधायक थे भाजपा के, और कोई एक सरकार में प्रधानमंत्री जी से लेकर किसी मुख्यमंत्री ने, किसी एक ने ये नहीं कहा कि गलत काम किया और इन दोषियों को हम बख्शेंगे नहीं। मैं समझता हूँ जब ऐसे देखते हैं, हमने कठुआ में देखा जो है जम्मू कश्मीर में, तो और हरियाणा को तो अपराध में, महिलाओं के ऊपर अपराध में हरियाणा देश में नंबर एक बन गया। इससे ज़्यादा हमारे समाज पर कलंक नहीं हो सकता। ये जितनी मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में हमको और ख़ास तौर पर जो है पूरे समाज को, युवाओं को, नौजवानों को, हम लोगों को संकल्प लेके आगे आना पड़ेगा। जो भी एक हमारी बहन कह रही थी कि जब हम निकलते हैं पढ़ लेते हैं, मर पढ़ के जब हम निकलते हैं तो हम जब सुरक्षा नहीं है, सेफ्टी नहीं है, तो पढ़ने का क्या फायदा, पढ़े लिखे हम घर बैठे हैं मगर निकलते हुए डर लगता है। तो ये हमारी बहनों को और बेटियों को जो ये अपने मन में संशय है, इसके लिए मैं समझता हूँ कि हम लोगों को, मैं युवा होने के नाते बोल रहा हूँ, सांसद होने के नाते नहीं, एक युवा, एक भाई और एक बेटे होने के नाते बोल रहा हूँ, ये हमारी बेटियों की और बहनों की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम हमारी है। और जब तक हम इस कलंक को नहीं धोएंगे, मैं समझता हूँ कि हमारा प्रदेश कितना ही आगे बढ़ जाए, उस तरक्की का कोई फायदा नहीं है। हमारी बहन बेटियों के लिए हमें ये करना ही है। जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, स्वास्थ्य में मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत सा काम किया हमारी जब सरकार थी, आपको याद होगा उस समय सबके हेल्थ कार्ड बने, 102 नंबर, मैटरनिटी जो एम्बुलेंस है उसमें मैटरनिटी डिलीवरी फ्री, डिलीवरी हट स्थापित किए गए, और 6 हरियाणा के अंदर 6 मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल के अंदर, भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज, देश का पहला, आज़ादी के बाद देश में अभी तक कोई केवल महिलाओं का मेडिकल कॉलेज नहीं बना, केवल महिलाओं का, वो हरियाणा के अंदर खानपुर के अंदर सोनीपत में स्थापित किया गया, 6 मेडिकल कॉलेज इस तरीके से स्थापित किए गए। तो एक तो ये प्रिवेंट, ये तो एक जो है, उसके बाद एक होता है प्रिवेंटिव, हमारा प्रयास था हरियाणा के अंदर, एक प्रयास था, एक सोच को लेकर हम चले थे कि हरियाणा शिक्षा और खेल का प्रतीक बने महिलाओं के पॉइंट ऑफ व्यू, और इसीलिए जो यूनिवर्सिटियाँ स्थापित की गई, शिक्षा के प्रति माहौल बनाया गया और खेलों के प्रति माहौल बनाया गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हरियाणा के अंदर इतने महिला अखाड़े हैं हरियाणा के अंदर जो हमारे समय स्थापित किए गए, सुष्मिता जी आपको जान के आश्चर्य होगा, इतने महिला अखाड़े हैं पूरे देश के, 70% महिला अखाड़े हरियाणा में, तो पूरे देश के जितने हैं आधे ज़्यादा महिला अखाड़े हरियाणा के अंदर हैं, और इसी तरीके से महिला ताकि स्पोर्ट्स में आगे आए और शिक्षा और खेल की तरफ बढ़े, हमारी युवा पीढ़ी शिक्षा और खेल की तरफ बढ़े, हमें गर्व है इस बात पे कि हमारी महिलाएं उस बात में बहुत आगे आई। तो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बात है, एक प्रिवेंटिव है, और दूसरा जो है अपना जो स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर है, दुर्भाग्य इस बात का है, ये सरकार खट्टर सरकार आई, इन्होंने कहा हर प्रदेश के हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाएगा, एक मेडिकल कॉलेज इन्होंने स्थापित नहीं किया, एक डॉक्टर की इन्होंने भर्ती नहीं करी 4.5 साल में, एक यूनिवर्सिटी स्थापित नहीं की गई, एक प्रोफेसर को इन्होंने 4.5 साल में भर्ती नहीं किया गया, और एक महिला को स्पोर्ट्स कोटे से, क्योंकि हमारे समय आपको याद होगा एक नीति थी, पदक लाओ पद पाओ, 725 खिलाड़ियों को सीधा DSP इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर लगाया गया था, जिसमें हर हमारे खेलों से संबंधित हमारी महिलाएं थी, लड़कियां थी, जिन्होंने हमारे देश, एक खिलाड़ी को, एक महिला खिलाड़ी को भर्ती नहीं किया, एक को भी, तो यानी कि एक नया मेडिकल कॉलेज नहीं स्थापित किया गया, एक नया यूनिवर्सिटी स्थापित नहीं करी, एक नया प्रोफेसर नहीं इन्होंने भर्ती किया, एक नया डॉक्टर इन्होंने नहीं भर्ती किया 4.5 साल में, और एक खिलाड़ी को इन्होंने जो है अभी 4.5 साल में नियुक्ति पत्र नहीं दिया। तो ये मैं समझता हूँ जो सरकार है, ये इनका एक ही नारा है भाजपा का, काम की बात छोड़ो और भाईचारा तोड़ो, काम की बात नहीं कर रहे। तो ये जो स्वास्थ्य का क्षेत्र है, इसमें भी विकास का पहिया हमारा रुका है, और मैं सरकार को चुनौती देता हूँ, 4 महीने बचे हैं, अपना वायदा पूरा करें, नहीं तो वायदा इनका है कि हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज होगा, इनका वायदा है, इन्होंने पूरा नहीं किया, सरकारी मेडिकल कॉलेज, और इनका वायदा है अगर ये नहीं करेंगे तो हम आते ही 4 महीने के बाद और शुरुआत अंबाला से करेंगे, हर जिले में हम मेडिकल कॉलेज पूरा करके दिखाएंगे। आज सरकार को हमें चुनौती दी जा रहे हैं, और एक चीज मैं मानती हूँ बोलना बहुत जरूरी है कि 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तब भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया कि चीजें महंगी हो गई है, डीजल पेट्रोल महंगी हो गई है, पर आज
डीजल पेट्रोल का दाम जहां जहां पहुंचा है मोदी जी की सरकार आने के बाद, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के पूरे इतिहास में इतना महंगा डीजल पेट्रोल कभी नहीं हुआ। और एलपीजी गैस का सिलेंडर, मोदी जी कहते हैं कि मैंने महिलाओं को उज्ज्वला गैस के माध्यम से सम्मान दिया। मैं मानती हूँ कि पहला गैस सिलेंडर तो हमें कम दाम में मिल जाता है। किस किस के पास उज्ज्वला गैस सिलेंडर है, जरा हाथ ऊपर कीजिए। तो है, कुछ लोगों के पास है। तो पहला गैस सिलेंडर तो बड़ा सस्ता में मिलता है, और दूसरा गैस सिलेंडर कितने में मिलता है हरियाणा में बताइए? 850। तो किसी ने कहा कि उज्ज्वला के महंगाई से तो धुआं ही अच्छा था। तो ये जवाब, मुझे पूरा विश्वास है कि इस देश की महिलाएं, उनके साथ जो विश्वासघात हुआ है एक के बाद एक, उसका जवाब वो जरूर देंगे अपने वोट के माध्यम से। और मैं एक मैं चित्रा जी से एक चीज कहूंगी कि ये सभा महिला कांग्रेस पहली बार इस तरह की कर रही है, किसी गांव में जाके चौपाल के माध्यम से। अभी हमने अंबाला शहर में एक अच्छा प्रोग्राम किया जहां शहर की महिलाएं थी। मैं आभार प्रकट करती हूं कि इतना अच्छा दोनों प्रोग्राम आपने किया है चित्रा जी, कि आप हमें लोगों के बीच में ले आए। और मैं चाहती हूं कि कांग्रेस का हर प्रतिनिधि आपके जैसा हो, जो नेताओं को जनता के बीच ले जाए और जनता को हमारे पास आना पड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सुष्मिता जी। अब जो हमारी महिलाएं आज एकत्रित हुई हैं, सभा अभी खत्म हो जाएगी, लेकिन एक चीज हमें आपसे चाहिए सुष्मिता जी। आज आपसे आपका एक निशान लेके जाना चाहती हूँ। यहाँ पर एक कपड़ा है जो हम यहाँ पे अभी रख देंगे खोल के, और एक सवाल सुष्मिता जी हर जगह पूछ रही है, हम इसे कह रहे हैं अधिकारों का परचम। ये एक सफेद कपड़ा है, अगर आपको लगता है आज आपके अधिकार दबे हुए हैं, हनन में हैं, किसी तरह से आप पहले से असुरक्षित हैं, तो यहाँ दो रंगों के हैं थाल, अपने हाथ रंग पे करके उस कपड़े पे अपने निशान जरूर छोड़ के जाना। घबराने की बात नहीं है, खोल के दिखाइए। नंदिता जी आज अपने हाथ साफ हो जाएंगे। ये हम चाहते हैं सुष्मिता जी जब यहाँ से जाएं तो यहाँ की महिलाओं के निशान ले जाकर वो राहुल जी को दिखाएं, और साथ ही में हम ये निशान फिर नरेंद्र मोदी जी को दिखाएंगे जाके कि महिलाओं ने तुम्हारे लिए क्या भेजा है। हाँ, तो अब यहाँ पे आइए, मैं कहूंगी कुछ आप में से। मैं देखो कैसे लगा रहे हैं, मैडम उस तरफ, मैडम उस तरफ, उस तरफ। ओए गुड़े बच्चों, तो आप सबने यहाँ पे हम महिलाओं से काला भी है। ये हाथ चिन्ह महंगाई के खिलाफ है, महिला अत्याचार के खिलाफ है, गैस सिलेंडर के बढ़ते दाम के खिलाफ है। सर आप इधर आओ प्लीज। Thank you.
दिल कहाँ है वो टू याद उठी है ना पीछे कदम हटाएगी राहुल गांधी को बड़ा है संसद में गोल मचाएगी ना पीछे कदम हटाएगी महिला कांग्रेस जाग उठी है न पीछे कदम हटाए अब तुम